नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है उसकी लेटेस्ट अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। तो मैं बता दूँ क्या क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए। कुछ चीज़ें सामने आई हैं उनको सुन लीजिए। वीवी का परिणाम घोषित नहीं हुआ, लेकिन वेब पंजीकरण ड्राइव रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए। विश्वविद्यालय ने अभी भी बीए सेकंड ईयर का परिणाम घोषित नहीं किया। शासन ने दिया था 31 तक का समय, आपको बार बार बताया जा रहा है। लोगों के कॉलेजों ने फीस जमा नहीं करी। 31 अगस्त को बीकॉम व बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जारी किया गया, प्रथम वर्ष के को प्रमोट किया गया, घोषित नहीं हो पा रही है तिथि, मतलब परीक्षा तिथि नहीं घोषित हो पा रही है। और दूसरी तरफ है ना, आप लोगों का पंजीकरण भी रोक दिया गया है। एडमिशन कैसे लें बच्चे, तो काफ़ी रिजल्ट को रोक दिया गया। विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रमों प्रवेश के लिए 30 सितंबर का पंजीकरण किए गए थे। दूसरी चीज़ जो आ रही है वो आपकी मैं आपको बता दूँ, 100 कॉलेजों का परिणाम रोक दिया गया है। फीस बकाया दोबारा से नोटिस जारी किया है। परीक्षा फीस और चालान बकाया फीस जमा करने के लिए कहा है, अन्यथा आप लोगों का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा या फिर आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। जो तीसरी चीज़ है, स्नातक के परिणाम जारी नहीं किए गए हैं और परा स्नातक में वेब रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दी। करीब 10,000 छात्र छात्राएँ कर रहे हैं इंतज़ार सेमेस्टर के अंतिम वर्ष का, सेमेस्टर का। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी का काफ़ी बुरा हाल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ सके किस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इतना नहीं होता झमेला, लेकिन जितना ज़्यादा ही झमेला इन यूनिवर्सिटी में हो रहा है तो लोग कम रुझाव देख रहे हैं। इस बार एडमिशन भी कम हुए, रजिस्ट्रेशन भी कम हुए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का काफ़ी बुरा हाल है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।